जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कांग्रेस की स्थापना और बिहार के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। आप सभी को पता है ये एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है, बिहार स्पेशल, उसमें हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कर चुके हैं। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थशास्त्र को भी कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कांग्रेस का स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछ दे कि INC की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की गई थी। समय था, आपका दिन था 28 दिसंबर 1885, और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। जो प्रथम इनका अध्यक्षता हुआ था अधिवेशन का, W.C. बनर्जी ने। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें कांग्रेस के कुछ अधिवेशन की, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, तो सबसे पहले देखिए 27वां अधिवेशन, 37 और 54। जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो 1912 में हुआ था। एक मिनट, हाँ, 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकापुर पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुंडोलकर। 37 अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वह 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़, झारखंड, जो अभी झारखंड है रामगढ़, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो ये हुआ था। तो 27 वाला 1912, 37 1922, ठीक है, और 54 1940, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? आपका कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। घोषणा तो आपकी 20 जुलाई को की थी, लेकिन 16 अक्टूबर को ये प्रभावी किया गया, मतलब लागू हो गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में भंग और बंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो बिहार में प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद चक्रवर्ती, उन्हीं की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई, ठीक है, और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या बंगाल विभाजन हुआ? नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र जाकी ने जज किंगफोर्ड्स की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए, ठीक है। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था 1908 ईस्वी में, क्योंकि वो पकड़े गए थे। आगे बात करते हैं हम।
होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा का स्थापना हुआ। कहाँ पे? बिहार में 1916, मौलाना मजहरुल हक। खा बहादुर सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पांडवे नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष चंद्रवसी सहाय, ये आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देख लीजिए, श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबसे अवगत कराया और इसका जो आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तो जो होम रूल का जो मेन उद्देश्य था वो ये था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, चंपारण के किसानों के लिए तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से तीन कट्ठे में नील की खेती की जाती थी। तो तीन कठिया सिस्टम था यहाँ पे, मतलब 20 कट्ठे में से तीन कट्ठा जमीन पे आपको क्या की जाएगी, नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी। तो जो नील की फसल होती थी वो भूमि को बंजर बना देती थी और आर्थिक रूप से इनसे क्या होता था, शोषक भी होती थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली बरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। किसने? राजकुमार शुक्ला जी ने, या राजकुमार शुक्ल जी, जो आपके लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ब्रज किशोरी प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने दिया था पहली बार, तो वो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। तो गांधी जी पहली बार पटना कब आते हैं? तो गांधी जी पहली बार पटना 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वह चंपारण जो मोतिहारी पहुंचे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे एम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जे हाडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी की। किसने? जो मजिस्ट्रेट था वहां का, हाडकॉक ने। धारा 140 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ जी स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और इन सब अन्य सदस्य थे। समिति के अपनी रिपोर्ट ने तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की।
इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का ये प्रयोग था। तो पहली बात यहाँ पर, जो गांधी जी ने स्वतंत्र जांच करने के लिए अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के जो मुख्य सचिव थे उनको सौंपी थी 1917 में। फिर परिणाम स्वरूप ये हुआ कि चंपारण एग्रियन समिति बनी। इसके समिति के अध्यक्ष थे कौन? एफ जी सिलाई, और बाकी ये महात्मा गांधी और राजा हरीश प्रसाद ये लोग सदस्य थे। इस समिति ने तीन पटिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा जताई, और इसके चलते तीन पटिया प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई, और ये भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरिहर धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह है। तो आपसे पूछे अगर कोई कि भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध एक आंदोलन किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसान सभा 1922 और 23 में मुंगेर में शाह महमूद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। तो किसान सभा का गठन मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह सचिव थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। किसके? आपका किसान सभा। तो याद रखिएगा किसान सभा 1922-23 मुंगेर, शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, जो पटना में है, औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो औपचारिक किसान सभा है उसकी स्थापना या किसान सभा की स्थापना पहली बार पूछ दे तो आप वो बताइएगा, और औपचारिक पूछेगा तो 1928 स्वामी सहजानंद सरस्वती। अधिकतर तो मैंने क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग देखा है ये जो है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए वहाँ पे भी कृष्ण सिंह थे, यहाँ भी कृष्ण सिंह थे। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने औपचारिक किसान सभा की स्थापना की और प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी सदानंद सरस्वती। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बिहार किसान आंदोलन में करियानंद शर्मा, राहुल सरकृत्यान, पंचान शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता थे। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, तो आप याद करो या ना करो उतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में, और तीसरा, ये तो दूसरा हुआ था पुरुषोत्तम दास की अध्यक्षता में 1934, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था प्रांतीय सभा का, किसान सभा का? स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 हाजीपुर में। तो प्रांतीय किसान सभा की दूसरी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन 1934, और 1935 हाजीपुर में स्वामी सदानंद सरस्वती। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के भडलिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पादन के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, और इसके सचिव एन जी रंगा थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर से बोल देता हूँ, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल
भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव एनजी रंगा थे। अब यहां देखते हैं, किसान सभा का प्रमुख उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उनका समाधान करना था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, कितने किसान सभा सम्मेलन हुए हैं? तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम किसान सम्मेलन सोनपुर हुआ था आपका, द्वितीय आपका गाजी गया में हुआ था और तृतीय हाजीपुर में हुआ था। प्रथम जो आपका सम्मेलन हुआ था वो 1929 स्वामी सदानंद सरस्वती, दूसरा मैंने बताया था 1934 गया में पुरुषोत्तम दास टंडन और तीसरा हाजीपुर 1935 स्वामी सदानंद सरस्वती। तो पहला और तीसरा स्वामी सदानंद सरस्वती, पहला वाला याद रखिएगा सोनपुर, पहला सोनपुर, दूसरा हाजी, तीसरा हाजीपुर, सोनपुर हाजीपुर और बीच वाला गया पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर हम प्रमुख किसान नेता की बात करें और इनका कार्य क्षेत्र, तो जो यदुनंदन शर्मा जी थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? गया से। यमुना जी दरभंगा सारण से और राहुल अनवारी अंबारी सिवान और कार्यनंद शर्मा ये आपके मुंगेर से थे। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनके बारे में कि कौन कहाँ से बिलोंग करता था किसान नेता। आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमान जनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वार वन हुआ था ये आपका 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था, ठीक, जिसमें तुर्की की हार हो गई थी। और तुर्की की हार होने के बाद जो तुर्की से इस्लाम धर्म में जो ये अपने जो सबसे सर्वोच्च जो होता है आदमी, इनको ये खलीफा कहते थे, खलीफा। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ जीत गए तो उन्होंने उनको अपने पोजीशन से खलीफा को हटा दिया और उनका अपमान किया, जिसके चलते भारत में क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत धीरे धीरे देखने को मिली, ठीक है। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई और इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। किसका? शांति समारोह का, ठीक है। बाकी आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मस्तुफा कमाल पासा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन अपने आप निशन प्रभावी हो गया। मतलब जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और खिलाफत आंदोलन जो मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में, वो आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और ब्रिटिशर्स को मतलब तरफ से फाइट करने के लिए चलाया गया था आंदोलन। लेकिन हमने देखा कि तुर्की में जो मुस्तफ़ा कमाल पासा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया, और जब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया तो खिलाफत आंदोलन अपने आप ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन और बिहार, ये अच्छा टॉपिक है, आराम से समझिएगा। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। तो कलकत्ता का अधिवेशन कौन कर रहा था? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। कब? 1920। और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण तरह स्वीकृत कर लिया गया था, वहाँ पे स्वीकार किया गया, यहाँ पे इसको स्वीकृत किया गया। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद,
मोहम्मद सफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायकी के चुनाव से नाम वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि ये असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे कि हम विधायकी चुनाव को सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन में जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया और इनके भाई जो थे उन्होंने महेंद्र प्रसाद जो साहब का जो उपाधि लिया था वो लौटा दिया और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया और मजरूल हक उसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद उसके कुलपति बने। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो है, इसका जो प्रधान प्रिंसिपल है वो राजेंद्र प्रसाद जी बने और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया गया 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मजरूल हक इसके कुलाधिपति बनते हैं और ब्रजकिशोर प्रसाद इनके कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैर मियाँ के से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो ये याद रखिएगा कि मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। क्यों? क्योंकि ये आश्रम आपको देखिएगा, दो तीन बार जब मैं क्लास लूँगा तो आपको ये आश्रम को सुनने को मिलेगा। तो दीघा के पास जो इनके मित्र थे खैर मियाँ, उनके दान से प्राप्त जो भूमि थी उस पर मजरूल हक ने क्या किया? सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजरूल हक के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया गया और इसने राष्ट्रीय भाव को प्रचार प्रसार किया। तो आपसे भी पूछ लेगा, द मदरलैंड जो अखबार था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सदाकत आश्रम से ही स्टार्ट किया गया मजरूल हक के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। आगे देखते हैं। 5 नवंबर 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा आपका एक गोरखपुर क्षेत्र में चौरी चौरा पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो यहाँ के पुलिस थी उन्होंने वहाँ के लोकल्स को, उनके किसानों को पीटा। इसके विरोध में किसानों ने पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी और जो पुलिस वाले यहाँ से भाग रहे थे बच के, उनको पकड़ दोबारा क्या कर दिया, इसमें फायर में डाल दिया और इनको जला दिया। इसके बाद ये घटना के बाद गांधी जी को बहुत झटका लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्यों? गांधी जी का ये मानना था कि हम कोई भी चीज़ को मतलब हिंसा से नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सजाद इमरात ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया। तो ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सजाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवरिया में किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। जो 17th BPSC का एग्ज़ाम है उससे पहले आपका ये कोर्स जो है बिहार स्पेशल का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।